रीवा जिला एक ओर जहां सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में हमेशा ही अव्वल रहता है तथा निराकरण में भी अधिकारी गण लगातार प्रयासरत रहते हैं, वहीं जिले से अजब गजब शिकायतों के मामले भी आए दिन सामने आते रहते हैं, जिसको लेकर अब एक बार फिर रीवा जिले में कुछ अलग ही शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से एक शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी की डिमांड की है। वहीं एक अन्य शिकायतकर्ता ने सीएम हेल्पलाइन में की गई अपनी शिकायत में विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग की है, जबकि एक अन्य शिकायतकर्ता ने जन जन तक पहुंच रही शासन की योजनाओं की परख के लिए अधिकारियों से जांच की मांग की है, जिसके बाद हेल्पलाइन नंबर 181 की यह शिकायतें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल जन जन की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 की शुरुआत की गई थी, जिसकी वजह से आज कई परेशान लोगों की समस्याओं की सुनवाई भी होती है। परंतु अब इस हेल्पलाइन नंबर 181 में कुछ ऐसी भी शिकायतें दर्ज होने लगी जो केवल प्रशासन की परेशानी बढ़ा रही हैं, और इस तरह की शिकायत अब प्रशासनिक अमले के लिए चुनौती साबित हो रही है। बताया जा रहा है कि सीएम हेल्पलाइन में लगातार हो रही शिकायतों के कारण पेंडेंसी भी बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादातर शिकायतों में लोगों की समस्याओं का समाधान भी नहीं हो पाता है, और ऐसे में उच्च अधिकारियों के द्वारा शिकायतें बंद कराने का दबाव भी बनाया जाता है, जिससे परेशान होकर वह शिकायतकर्ता को भी परेशानी में डाल देते हैं। इस दौरान अब रीवा जिले में सीएम हेल्पलाइन में कुछ ऐसी शिकायतें दर्ज हुई हैं, जो अब प्रशासन के लिए परेशानी खड़ी कर रही हैं, जिनमें से एक शिकायत त्योंथर तहसील के जनेंद्र मिश्रा नामक व्यक्ति ने किया है, जिन्होंने अपनी शिकायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में सेल्फी लेने की डिमांड की है, और अब इस शिकायत को बंद कराने के लिए प्रशासनिक अमला परेशान हो रहा है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 में फोन करके मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले विनोद मिश्रा ने भी अपनी अलग डिमांड की है, और उन्होंने अपने गाँव इलाके की समस्याओं का जिक्र करते हुए खुद ही विधानसभा चुनाव की टिकट की मांग कर ली, जिससे वह खुद लोगों की समस्याओं को दूर कर सके। वहीं रायपुर करचुलियान के रहने वाले सुरेंद्र शुक्ला ने सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 में फोन करके प्रधानमंत्री महोदय से जांच टीम गठन करने की मांग की है, जिससे लोगों तक पहुंच रही शासन की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जा सके। मामले पर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह का कहना है कि सामान्य रूप से हर एक व्यक्ति सीएम हेल्पलाइन में अपनी शिकायतें रखता है तथा अपनी मांगे और जिन योजनाओं की वह पात्रता रखता है उसके संबंध में वह प्रशासन से मांग करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करते हुए विभिन्न प्रकार की मांग की जाती है। कुछ ऐसे ही प्रकरण सामने आए हैं जिसमें लोगों के द्वारा कहीं तो टिकट की मांग की जा रही है और कुछ लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी की डिमांड की जा रही है। इस तरह की मांगों पर जो भी जिला स्तर की शिकायतें हैं उन शिकायतों का निराकरण करने के लिए हमारी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। जी देखिए, सामान्य रूप से सीएम हेल्पलाइन में हर व्यक्ति अपनी समस्याओं को रखता है और अपने जो कष्ट हैं या जो मांग शासन से है या किसी योजना का पात्रता वो रखता है, हितग्राही है, तो उसके संबंध में मांग करता है। लेकिन कई लोग विभिन्न प्रकार की शिकायतें भी करते हैं, जैसा कि आप लोगों के माध्यम संज्ञान में आया है कि कोई टिकट के लिए शिकायत किया है, कुछ लोगों ने सेल्फी वगैरह जनप्रतिनिधि गणों के साथ में या पीएम सर आदि के लिए मांगा है, तो ये उनकी मांग है। लेकिन इसमें से जो जिनाइन हैं, जो हमारे स्तर की हैं, जिला स्तर की शिकायतें हैं या जनपद की तहसील की शिकायतें हैं, जिन पर हमारे स्तर से कार्रवाई होना है, उन सभी पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। और ऐसी शिकायतें जो अन्य विभागों से संबंधित हैं या इस तरह की विविध प्रकार की जो शिकायतें हैं उनको संबंधितों को भेजते हैं, और प्रयास यही रहता है कि अधिकतम शिकायतों पर कार्रवाई हो। ऐसी शिकायतें क्योंकि कुछ व्यक्तिगत हो सकती हैं जिनके कि आप लोगों ने बताया है, तो इनके संदर्भ में भी जो यथा उचित होगा वो कार्रवाई।